नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, विक्स वेपोरब का इस्तेमाल सर्दी जुकाम में खूब होता है। हम जब छोटे थे तो अक्सर हमें सर्दी और जुकाम हो जाता था, तब हमारी मम्मी हमें रात में सोते समय विक्स वेपोरब लगाती थी और हम झट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है यही विक्स वेपोरब और भी कई काम आता है। दोस्तों, विक्स वेपोरब त्वचा की कई सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, साथ ही स्ट्रेच मार्क्स आने पर भी काफ़ी हद तक ठीक करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ विक्स वेपोरब के उपाय बताएंगे, उनके बारे में जानेंगे जिन्हें करने से हमें कई सारे लाभ होते हैं। दोस्तों, विक्स वेपोरब में मेंथॉल पाया जाता है, जिससे ये हमारे शरीर में होने वाले दर्द से जल्द ही निजात दिलाने का काम करता है। इसके लिए दोस्तों, सरदर्द होने पर माथे पर वेपोरब लगाने के बाद एक गहरी सांस लें, आपको तुरंत ही सरदर्द में आराम मिलेगा। दोस्तों, सर्दी के समय सभी को हाथ पैरों के फटने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप अपनी एड़ी पर वेपोरब की एक अच्छी मोटी परत लगाएं। इसके बाद दोस्तों, सूती मोजे पहन लें। सुबह उठने के बाद अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लें। सुबह उठने के बाद आप अपने पैरों को धोएंगे और उसके बाद मर्द कोशिकाओं को हटाने के लिए किसी ब्रश का उपयोग कर पैरों को साफ करें। आप खुद ही देखेंगे इसके परिणाम से आपको जल्द ही राहत मिलेगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स आने की शिकायत होती है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं होगा, विक्स वेपोरब के इस्तेमाल से मार्क्स हटाए जा सकते हैं। इसका उपयोग नियमित रूप से करें, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विक्स की मदद से आप बैक्टीरिया के साथ फंगस से लड़ सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या के लिए सबसे कमाल की चीज़ समझी जाती है। इसके लिए आप अपने पैर के नाखूनों में रात में विक्स लगाएं और मोजे पहनकर सो जाएं। फिर दोस्तों, दूसरे दिन अपने पैरों को अच्छे तरीके से साफ करें। दोस्तों, इसे तब तक करें जब तक नाखून बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। अगर आपकी त्वचा कहीं से कट गई है तो आप वहाँ पर भी विक्स लगा सकते हैं। ये दोस्तों दर्द तो कम करेगा ही, आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। इससे आपको सूजन भी कम होगी और कुछ दिनों में चोट का निशान भी गायब हो जाएगा। दोस्तों, कान के दर्द को भी विक्स वेपोरब ठीक करता है। इसके लिए आपको रुई में विक्स वेपोरब लगाकर कान में कुछ समय के लिए लगाकर छोड़ दें। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाते, इससे बचने के लिए थोड़े समय लेके आपको दर्द से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, कान में हुए संक्रमण को ये ठीक नहीं करता है, इसलिए कान में संक्रमण होने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। दोस्तों, चेहरे पर हो रहे कील मुहासों और तनाव परेशानी से पड़ने वाली झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए आप त्वचा पर वेपोरब का प्रयोग करें। ये त्वचा की साफ सफाई करके मुहासों को कम करता है। इसके लिए रात में चेहरे पर विक्स वेपोरब लगाकर सो जाएं और सुबह चेहरा पानी से धो दें। इसके अलावा इसमें तेल मिलाकर भी चेहरे की झुर्रियों को कम कर दें। दोस्तों, विक्स वेपोरब के कई सारे गुण हैं, जिनसे तनावग्रस्त मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कलाई में दर्द है तो विक्स को उस जगह पर लगाकर मसाज करें, इससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाना।